हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से हम लोग नए प्रयास की ओर चलते हैं, नए कोशिश करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, मॉडल सेट वन का आंसर हम लोग दे दिए थे। आज हम लोग मॉडल सेट टू का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बिना टाइम बर्बाद किए हुए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जिसमें से बताया गया, द नंबर ऑफ एटम इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। सिंपल सी बात, इसमें चार ऑप्शन दिया है। ए में ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। बी में ऑप्शन टू दिया हुआ है। सी में ऑप्शन थ्री दिया हुआ है। डी में ऑप्शन चार दिया हुआ है। आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? वन होते हैं, क्योंकि एट कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर का शेयर पार्ट वन बाय एट, इसमें कितने पार्टिकल होंगे? वन पार्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल आसान क्वेश्चन है, सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। द मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स मोलरिटी निकालना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का है ना ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। ए में आपका दिया हुआ है 0.5, बी में ऑप्शन आपका दिया है 10, सी में आपका ऑप्शन दिया हुआ 5 और डी में ऑप्शन दिया है 0.25। डियर, हमको निकालना है मोलरिटी, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना मोलारिटी होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है ना। मोल का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलिकुलर मास। मास आपको दिया हुआ है 2, NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40, 2/40, और पर लीटर ये 200 मिलीलीटर में दिया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 200/1000। ये इसको आप गुना भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि NaCl का मोल्टेन सोल्यूशन दिया हुआ है ना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड आपका एनोड, दिस इज कॉल्ड आपका कैथोड, और यहाँ पे NaCl का मोल्टेन सोल्यूशन रखा गया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है इस कैथोड पर कौन सा आयन जाके लिबरेट करेगा, तो ये टूटेगा Na+Cl- प्लस आयन कैथोड माइनस पर लिबरेट करेगा, माइनस आयन प्लस पर लिबरेट करेगा। सिंपल सी फॉर्म इसका आंसर दिया हुआ है। ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन, बी में ऑप्शन आपका दिया हुआ सोडियम मेटल, सी में ऑप्शन आपका दिया हुआ ऑक्सीजन एंड डी में ऑप्शन दिया हुआ क्लोरीन। इसका आंसर क्या होगा? कैथोड में लिबरेट कर रहा है Na+, एनोड में लिबरेट करेगा क्या? Cl-। इसका सही आंसर होगा बी, है ना, सोडियम एटम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेटलर्जी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेटलर्जी में क्या दिया हुआ है इसको देखने की कोशिश करेंगे। मेटलर्जी क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर क्या है? सबको पता होगा, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है हेमाटाइट, हेमाटाइट है ना। बी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है कैसेट्राइट, कैसेट्राइट CASSITERITE है ना, और सी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है डोलोमाइट, एंड आपका डी में दिया हुआ है बॉक्साइट। तो आप सबको पता होगा कि एल्युमिनियम का ओर्स जो होता है आपका बॉक्साइट होगा। सही नंबर आंसर आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, डोलोमाइट जो होता है ओर होता है मैग्नीशियम का, है ना। हेमाटाइट जो ओर होता है आपका आयरन का, और कास्टाइट जो होता है तुम्हारा टीन का, SN का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन आपका मॉडल सेट वन में बताया गया है। क्वेश्चन दिया हुआ द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज, कम से कम स्टेबल कौन होगा? तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है NH3, ए में ऑप्शन, बी में ऑप्शन आपका दिया हुआ है PH3, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ASH3 एंड डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है SBH3। क्वेश्चन बोल रहा है ये चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड कौन होगा? तो आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मूथ, तो स्टेबिलिटी इसका घटता है, मीन्स मोर स्टेबल NH3 होगा, लीस्ट स्टेबल BiH3 होगा, और ये घटते क्रम में आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो NH3 होगा, बट लीस्ट स्टेबल ये चारों में से आपका SBH3 सही आंसर होगा।
तो इसका पांचवा का आंसर आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग को पता है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट किसको कहते हैं, सीडो ट्रांजिशन किसको कहते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में फोर ऑप्शन दिया हुआ है, आयरन, बी में ऑप्शन दिया हुआ है एच जी मरकरी, सी में ऑप्शन दिया हुआ है कैडमियम और डी में ऑप्शन दिया हुआ है जिंक। तो आप सबको पता होगा, क्लास में पूरा डिटेल पढ़ाया गया है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी तीन ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सीडो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन नहीं होता। तो सिंपल सी बात, इसका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्या होगा, आयरन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेवन नंबर क्वेश्चन हेलोवल्केन हेलोरिन्स का क्वेश्चन है, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है CH3CH2Br, ये अगर एक्वस है, है ना, Br, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए बन रहा है, बताइए प्रोडक्ट ए क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात, इसका ऑप्शन क्या होगा, के प्लस बी आर माइनस, के बी आर बाहर निकल जाता है, ये OH यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, बनेगा CH3CH2OH, मीन्स इथाइल एल्कोहल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे तो सेवन ए में आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बी में ऑप्शन दिया हुआ है CH3CH2OH, मीन्स यही ऑप्शन सही होगा। सी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHBr और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3CH3। सिंपल सी बात, इसका आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट, मतलब बॉडी सेंटर में उसका शेयर पार्ट कितना होगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा, बॉडी सेंटर में सेंटर का जो पार्टिसिपेशन पॉइंट होता है वो आपका इक्वल टू वन होता है। ठीक है, कॉर्नर की अगर हम बात करें, कॉर्नर में शेयर पार्ट 1/8 होता है, फेस की शेयर पार्ट की बात करें 1/2 होता है, एज की बात करें तो इसका शेयर पार्ट 1/4 होता है। तो बॉडी सेंटर की पूछा है, इसका मतलब इसका सही नंबर है ना, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ए में 1/4, बी 1/2, सी 1 और डी दिया है 1/8, इसका आंसर सही क्या होगा, सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नाइन आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर से, क्वेश्चन दो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको पढ़ाया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फोर टाइप के होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट, सेकेंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से करेक्ट कौन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव, कॉलिगेटिव कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ये इनकरेक्ट है क्योंकि होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और यहाँ पे दिया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इनकरेक्ट इसका नाइन नंबर का ए जो है सो वो इनकरेक्ट है, बाकी चारों तीन ऑप्शन सही है। चलिए दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, है ना, इतना कूलम चार्ज को CuSO4 सॉल्यूशन में पास करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने सब्सटेंस लिबरेट करेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, याद करिए फार्मूला पढ़ाए थे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और W इज इक्वल टू ZI गुने क्या ना WZQ, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा और W इज इक्वल टू Z को है ना हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं E/96500, है ना, इतना रिप्लेस कर सकते थे और Q का Q लिखेंगे। और आपको पता है ना कि W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है भाई, तो मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बटे वायलेंस फैक्टर बटा, यहाँ 96000 कितना है 500 और क्यों आपको ऑलरेडी चार्ज दे चुका है कितना, तो 96500, ये कैंसिल हो जाएगा। मोलिकुलर वेट कॉपर की अगर हम बात करें तो कितना होता है 63.5/2 वायलेंस फैक्टर, चूँकि कॉपर सल्फेट को तोड़ेंगे सल्फेट पर 2 माइनस कॉपर पर 2 प्लस, ये आपका वायलेंस फैक्टर है। 63.5/2 अगर हम डिवाइड करते हैं इसका एक्चुअल आंसर आएगा 31.76 है ना ग्राम ऑफ कॉपर, मीन्स इसका सही आंसर आपका जो होगा बी नंबर आंसर सही होगा, मीन्स ये 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आपका बी आंसर सही होगा, है ना, इसको मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, भान आर्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपका मेटलर्जी का है, तो आपको पढ़ाया गया है ना भान आर्कल मेथड जो होता है मेटलर्जी का पोर्शन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जिरकोनियम जो होता है जिसका सिंबल ZR होता है इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन ZR इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, तो इसका एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस का एटोमिसिटी कितने होंगे, 4 होंगे, क्लास में भी चर्चा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन हेलोल के हेलोरिन्स का, क्वेश्चन नंबर 13 CH3CH2I+AgCN दिया हुआ आपका एल्कोहलिक, क्वेश्चन बोल रहा है क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे ए बन रहा था, बताइए AgCN अगर दिया रहेगा तो AgI रिप्लेस हो जाता है, AgI रिमूव हो जाता है, CN ना बन करके NC बनता है, CH3CH2NC मीन्स आइसोसाइनाइड बनता है, ये आपको पता बताया गया क्लास में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर है ना, 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CH3CH2NC, बी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3CH2CN, सी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3CN एंड डी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3NC। मींस इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 था है ना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 14 का, ये क्वेश्चन आपका है सॉलिड स्टेट पैकिंग इफिशियंसी, तो आपको बताया गया सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग इफिशियंसी 26 है ना, यहाँ पे कहता होगा 52.54%, BCC 68% और FCC का 74% जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी 74% इज करेक्ट आंसर। 15 की अगर हम बात करें तो 15 में बोला व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको बताया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, तो कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर का, मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, मीन्स इसका आंसर बी इज करेक्ट, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, सोल्यूशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट से, तो आप यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन कलर है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है Ti4+, बी में ऑप्शन दिया हुआ V3+ और सी में ऑप्शन दिया हुआ Cu+ और डी में ऑप्शन दिया हुआ Zn2+। क्लियर, अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखेंगे ये फुल फिल है, ये फुल फिल है, ये फुल फिल है, अगर हम बात करते हैं Ti4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद आ जाएंगे, मीन्स ये आपका कलर्ड होगा, बाकी जितने सारे हैं सब कलरलेस होंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल, अभी पढ़ाएं, इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि सबसे ज़्यादा फेस FCC का पैकिंग एफिशिएंसी होता है, फिर BCC का, फिर सिंपल क्यूबिक सेल का। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें इसका क्वेश्चन ए आपका सही आंसर होगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेंस वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन, मैं आपको बता दूं मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है, मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, अगर एक मोल सॉल्यूट को एक लीटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी को कहते हैं वन मोलर सॉल्यूशन, और आपको पता है कि एक लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि जब एक मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 मिलीलीटर ऑफ है ना सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो तो उसको हम लोग कहते हैं वन मोलर सॉल्यूशन। मींस इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी एक मोलर सॉल्यूशन इज वन ऑफ दैट कंटेंट्स वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन, इसका आंसर क्या होगा भाई, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए दिया हुआ आपका 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बी में दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड डी में ऑप्शन दिया हुआ आपका 22.4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है मोलल, वन मोलल बोल रहा है, तो मोलल का मतलब फॉर्मूला होता है मोलारिटी, में आपको पढ़ाए थे मोलल किसी में आता है मोलारिटी से रिलेटेड आता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट
अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हम लोग डिजॉल्व करते हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं ना, मीन्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट कितने ग्राम के बराबर होगा भाई, 1000 ग्राम के बराबर। जब 1 ग्राम है ना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करें हम लोग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग मोलल कहते हैं, 1 मोलल सॉल्यूट। इसका सही आंसर आपका जो होगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज ए करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन अगर बाय द वे मोलारिटी बोलता, यही क्वेश्चन अगर मोलारिटी बोलता, या स्मॉल एम की बात कर रहे हैं मोलालिटी का, 1 मोलल अगर यही क्वेश्चन बोलता 1 मोलर, तो इसका फॉर्मूला होता तो तब उसके लिए आंसर हो जाता आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मोलल बोल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे, मोलल 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, बट अगर मोलर की बात करें तो मोलर में आपका 1000 ग्राम ऑफ है ना आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना, कॉपर क्रिस्टल इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ ए यूनिट सेल लेंथ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा आंसर बना सकते हैं ना, तो इसका आंसर आपको पता होगा भाई, इसका आंसर क्लास में भी बताया गया, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन इसका बी इज करेक्ट होगा, जो आपको ऑप्शन बताया गया 128 दिस इज द करेक्ट आंसर है ना। चैप्टर इसको पढ़ाएगा, 2-3 बार पढ़ाएं इसे, हम लोग रेडियस निकालने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट थ्री बाय फोर, जहाँ ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 361, ए इक्वल टू पुट कर देंगे, रूट थ्री की वैल्यू पुट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रेडियस निकल जाएगा। ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। तो 19 का क्वेश्चन था ये। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है, ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी, द मिक्सचर जो होगा एक तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, ये कौन बताए भाई, रॉल्स लॉ से। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आपका जो होगा बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। 20 नंबर 21 की अगर हम बात करें, 21, फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका ऑप्शन आप सी देखेंगे, ये आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ऑप्शन में ए में एनोड इज नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड ही नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में आपको बोल रहा है कैथोड इज नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है कैथोड जो इसका नेगेटिव होता है, सही है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, क्वेश्चन बोल रहा है एनोड पर क्या रिडक्शन टेक्स प्लस होता है, नहीं, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है एनोड पर, बट यहाँ पे बोल रहा है रिडक्शन होता है, तो सिंपल सी बात 21 का क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह 22 की अगर बात करें, 22 में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 6 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर आपको पता है दे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम पढ़ाए थे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना, यहाँ सब लोग निकाल सकते हैं बाबू। यहाँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपका 10 दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू 1.86 हम पुट करेंगे, इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, मास बाय मोलिकुलर मास, है ना, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग पुट कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है ग्राम में, इनटू कितना होगा 1000, सबको अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ से वेट हम लोग का निकल के आ जाएगा, और वेट का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे सबका वैल्यू, तो आपका आएगा है ना, कितना आएगा आपका 297 ग्राम। आप देखेंगे इसका आंसर आपका जो सही होगा, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 था, है ना, 22 का क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, 23 मेटलर्जी का क्वेश्चन है, और मेटलर्जी में क्वेश्चन ये बोल रहा है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइम स्टोन ऐड करते हैं क्यों, तो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि इसके लिए मेन रीज़न होता है इसका फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं, 23 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ POP ब्रिज इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 24 में क्वेश्चन बोल रहा है POP बॉन्ड कितने होंगे P4O10 में कितने POP बॉन्ड होंगे, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर, P4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है आपको पता है ना, टेट्राहेड्रल होता है, एक फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकते हैं, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, 8 और बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बना चुका है,
अभी तीन मोड़ और बना सकता है। एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, समझ रहे ना। इसी तरह से हमको ऑक्सीजन टेन करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन एयर एंड यहाँ पे इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए। दिस इज वन ऑक्सीजन एंड हियर इज वन ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया P4O10 का, P4 और O10 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कितने ब्रिज हैं इसमें। POP1 हो गया, POP2 हो गया, POP3 हो गया, POP4 हो गया, POP5 हो गया, POP6 हो गया। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा 6 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिया हुआ आपको 3 आंसर, बी में 4, सी में 5, डी में 6, मीन्स इसका करेक्ट आंसर इज 6 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 25 नंबर क्वेश्चन का, है ना, तो 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द, है ना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में वैकेंट ऑर्बिटल कितने होते हैं आपको पता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यहाँ तक फुल हो गया। इसके बाद हम लोग का 3d भी होता है, 3p का ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, वायलेंस सेल यही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग वायलेंस सेल कहते हैं। तो 3s है, 3p है, अच्छा 3d भी हो सकता है। और d में कितने वायलेंस, कितने वैकेंट ऑर्बिटल होते भाई, तो आपको पता है कि d में 5 है ना, 3d, 1, 2, 3, 4 और एक और डी में 5 ऑर्बिटल जो आप इसके पास हैं वो खाली है। मीन्स वायलेंस ऑर्बिट की अगर हम बात करें, वायलेंस सेल की, तो 3s, 3p, 3d भी होते हैं इसमें, जबकि ये वाला दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो 3d ऑलरेडी खाली है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 5 इज करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करें 25 का, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 26 की, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, ये सबको पता होगा। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन बोल रहा है, तो कॉपर का बी इज करेक्ट आंसर, आर्गन है 4s1 और 3d10, है ना, कॉपर, दिस इज द करेक्ट आंसर, 26 का बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें 27 का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल ABCR दिया हुआ है, ए का, बी का, सी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। ए का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है E0 A प्लस, है ना, A प्लस से A का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है E0, B प्लस से B का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे E0 C प्लस से C से रिडक्शन पोटेंशियल सबका वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ भाई प्लस 0.5, इसका वैल्यू दिया है माइनस 3.0 वोल्ट, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस 1.2 वोल्ट। कहने का मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिडक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में वैल्यू दिया है, माइनस 3 में ये प्लस 1.2, सबसे ज़्यादा पावर हम लोग को चाहिए रिड्यूसिंग पावर के लिए, ये होगा।